की वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता। How true that is today. और आज ये बात कितनी सच्ची है। How much the soul man in us refuses to receive the things of the Spirit of God. और कितना अधिक ये प्राणों का मनुष्य जो हमारे भीतर है वो परमेश्वर की आत्मिक वस्तुओं का इनकार करता है। And how much the soul man refuses the ways of God. Because it's not convincing to the soul man. और ये प्राणों का मनुष्य जो है वो परमेश्वर के मार्गों को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ये उसे रास नहीं आते। So as we read here, और जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, there is a battle within us. हमारे भीतर एक युद्ध है। Therefore these conflicts arise within us. और इसी कारण से ये संघर्ष हमारे भीतर We have these two men within us. और हमारे भीतर ये दो हस्तियां हैं। The spiritual man. और वो आत्मिक मनुष्य। And the natural or the soulical man. और या प्राकृतिक या वो प्राणों का मनुष्य। You know, and he, as we read here in verse 14. और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं। And the soulical man does not receive the things of the Spirit of God. कि वो प्राणों का मनुष्य जो है वो परमेश्वर की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। It's foolishness to him. क्योंकि उसके लिए ये सब मूर्खता है। He reasons out things. और वो चीजों को सोच विचार करता है। He would see things from his view, his ways and his understandings. और वो वस्तुओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है और वैसे ही उसको समझता है। He can never know them. That's what Paul says. और पौलुस कहता है कि वो उन वस्तुओं को कभी जान नहीं पाएगा। They are spiritually discerned. क्योंकि उनकी परख आत्मिक तौर से so होती है। So this is a reality, saints. और यही वास्तविकता है परमेश्वर के That this conflict, this battle is within us. कि ये संघर्ष और ये युद्ध हमारे भीतर है। These two men are within us. और ये दोनों व्यक्ति हमारे भीतर हैं। The soulical man. और प्राणों का मनुष्य। And who is ruled by the soul realm. और जिसके ऊपर नियंत्रण उस प्राणों के वातावरण के द्वारा हो रहा है। The self reasoning. और खुद की सोच विचार। The self discerning. और खुद की परख। The self willing. और खुद ही इच्छुक होना। Yes. That man. वो मनुष्य। Against the spiritual man. वो उस आत्मिक मनुष्य के विरुद्ध है। The desires after the things of God. और परमेश्वर की वस्तुओं के चीजों का उसके अंदर इच्छा नहीं। So what is of God? और जो कुछ परमेश्वर का है। God's thought. परमेश्वर के विचार। Against our thoughts. हमारे विचारों के विरुद्ध। This is the battle. It's a reality. और यही युद्ध है और ये वास्तविकता है। God's reasoning. और परमेश्वर की सोच विचार God's reason और परमेश्वर के जो कारण है against our reasoning हमारे सोच विचारों के विरुद्ध है God's will परमेश्वर की इच्छा against our will हमारी इच्छा की विरुद्ध है God's feelings और परमेश्वर के एहसास God's affections और उसके जो प्रभाव हैं God's desires और उसकी इच्छाएं जो हैं against our feelings वो हमारे our affections के हमारे चीजों के हमारे सोच विचारों के विरुद्ध and our desires और हमारी इच्छाओं के विरुद्ध है so this is something we need to reckon in our lives और ये कुछ ऐसी चीज है जो अपने जीवन में हमने देखनी that we are in this battle कि हम इस युद्ध में सम्मिलित हैं but God's divine intention is परंतु परमेश्वर की ईश्वरीय मंशा यह है that we would win this soul at the end कि अंत में इस प्राणों पर हमारी जीत patience and endurance और धीरज के साथ और सहनशीलता it is a salvation of the soul और ये प्राणों का उद्धार है not the destruction of that soul और उस प्राण का विनाश नहीं bringing that soul to true life और उस प्राणों को उसके सच्चे जीवन में लाना and है Paul says It in a different way when we turn to the book of 2 Corinthians chapter 5. दूसरा करंथियों और पांचवें अध्याय के अंदर पौलुस इसको एक विभिन्न रूप से बतलाता है. You know, he says how we can come into this and God has done a work to bring us into this. और वो कहता है किस प्रकार से हम इसमें आ सकते हैं और परमेश्वर ने एक काम किया है कि हमें इसमें वो ला सके. Turn to 2 Corinthians chapter 5. दूसरा करंथियों पांचवा अध्याय यस एंड वी विल सेव सम टाइम एंड रीड ओनली दोज इंपॉर्टेंट वर्सेस वर्स 15 पंद्रहवा वचन एंड आर ही डाइड फॉर ऑल दैट दे व्हिच लिव शुड नॉट हेंसफोर्थ लिव अनटू देमसेल्व्स और वो इसलिए
और वो इसलिए सबके वास्ते मरा कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बट अनटु हिम व्हिच डाइड फॉर देम एंड रोज अगेन बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर से जी उठा सो द स्क्रिप्चर मेक्स वन थिंग वेरी क्लियर और यहां वचन एक चीज बड़ी स्पष्टता से बतलाता है दैट क्राइस्ट डाइड फॉर अस ऑल और मसीह हम सबों के लिए मरा दैट वी डू नॉट लिव फॉर द सेल्फ एनीमोर कि अब हम उस खुदी के लिए अब ना जिए हेंसफोर्थ लिव नॉट अनटू देमसेल्व्स और अपने खुद के लिए अब ना जिए So we see God's great provision here. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का महान प्रबंध यहाँ पर है. That we may win this battle. कि हम इस युद्ध को जीत लें. We may come out of this battle victorious. और हम विजयी होकर इस युद्ध में. The work has been done. और वो कार्य किया जा चुका है. That is something that Paul makes very clear here. और वो एक चीज है जो कि पौलुस यहाँ स्पष्टता से बताता Henceforth, है. Henceforth, not live unto ourselves. कि अब से हम अपने खुद के लिए ना जिए बट अनटु हिम परंतु उस अनटु हिज थॉट्स उसके विचार अनटु हिज विल उसकी अनटु हिज डिजायर्स और उसकी इच्छाओं के लिए नॉट अनटु आवरसेल्फ्स और हमारे खुद के लिए नहीं सो पॉल मेक्स इट वेरी क्लियर पॉलुस उसको बड़ी स्पष्टता से बतलाता है एंड एज आई सेड वी विल सी दिस मोर क्लियरली एज द लॉर्ड विल लीड अस ऑन और जैसे मैंने कहा कि हम इसको स्पष्टता से देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्वेल फॉर अ फ्यू मिनट्स नाउ हियर इन दिस वर्स और इस वचन को हम कुछ क्षणों के लिए देखेंगे यू नो इफ यू आस्क अ पर्सन व्हाई क्राइस्ट डाइड फॉर अस और यदि किसी व्यक्ति से पूछे कि क्यों मसीह हमारे लिए मरा द ओनली आंसर वी रिसीव फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस इज ही डाइड फॉर अस टू फॉरगिव अस एंड क्लेंस अस ऑफ आवर सिंस और जो एकमात्र उत्तर जो सब बहुसंख्या से हमें प्राप्त होगा वो ये होगा कि मसीह हमारे लिए मरा कि हमें पापों की क्षमा मिले Now there is no doubt about it. और इसमें कोई संदेह नहीं The scripture itself says it very clearly. और वचन इसको स्वयं स्पष्टता से कहता है That he died for us. कि वो हमारे लिए मरा To save us from our sins. कि हमारे पापों से हमें छुड़ाया जाए But that is only one side of the story. परंतु वो कहानी का केवल एक तरफ है But there is another side of the story. और दूसरी तरफ जो कहानी का है And that is very clear. और वो बड़ा स्पष्ट है That he died for us. कि वो हमारे लिए मरा. That we no longer live for ourselves. कि अब हम अपने खुद के लिए ना जिए. And not many preachers preach that saints of God. और बहुत से प्रचारक जो हैं इस बात का प्रचार नहीं करते. For in 1 Corinthians 15:3 we definitely read. और पहला करंथियों 15. That Christ died for our sins. कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा. Very true. और ये बात सच्ची है. But we also need to know. परंतु हमें ये जानना है. That he died to deliver us from this self. कि वो इसलिए नहीं मरा कि हमें इट्स ट्रू लाइफ कि वो हमारी खुदी से भी हमें छुड़ाकर उसके सच्चे जीवन में हमें ले आए एंड वी डोंट हियर एनीबॉडी प्रीचिंग दैट और हम इस चीज को प्रचार करते हुए आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट और मैं नहीं समझता कि आपने ये सुना होगा I did not hear that in my early days. और मेरे पहले के दिनों में मैंने ऐसा नहीं सुना. Forget my early days, even later years. और उसको छोड़ भूल जाएं पर पुराने Much दिनों later, बाद में God opened the eyes to see this. और बहुत देर के बाद परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि मैं इस बात The enemy therefore has blinded God's people. और इसलिए शत्रु ने परमेश्वर के लोगों को अंधा कर दिया है. And he has deceived majority of God's people today. और परमेश्वर के लोगों की बहुसंख्या को उसने धोखा दिया है. For this scripture makes it very clear. परंतु ये वचन इसको बड़ी स्पष्टता से बतलाता है. That we may be delivered from living for ourselves. कि अब हम अपने खुद के लिए जीने से छुड़ाए जाएं. You know, many people say. और बहुत से लोग कहते हैं. I want to be delivered from sin. कि मैं पाप से छूटना चाहता हूँ. And people do not really see as to what is sin. और लेकिन लोग वास्तव में ये नहीं देख पाते कि पाप है क्या. The real sin is. और वास्तविक पाप जो है. Is to live for ourselves. और वो ये है कि हम अपने लिए जिए. And this is almost hidden. और ये चीज जो है वो छिपी And it goes undetected. और इसको बिना खोजे ये रहता है. The enemy has been very clever. और शत्रु बहुत ही चालाक रहा है. To blind and deceive
और परमेश्वर के लोगों को अंधा करे और धोखा दे. Sin is to live for oneself. और पाप जो है वो ये है कि एक व्यक्ति अपने खुद के लिए. So when people say, I don't want to live, I don't want to sin anymore in my life. और जब लोग कहते हैं कि मैं अब अपने जीवन में अधिक अब पाप नहीं करना चाहता. It doesn't mean, it is not meaning that he doesn't want to live for himself anymore. और that's not what it means in majority of cases. और बहुसंख्या के जो मामले हैं उसमें यही देखा जाता है कि उसका अर्थ ये नहीं होता कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँ. I don't want to do this. मैं ये नहीं करना चाहता. I don't want to do that. मैं वो काम नहीं करना चाहता. You know, so sin is named. और पाप को नाम There are दिया certain गया है. Things which we see as sin. और कई चीजें हैं जिनको हम पाप के रूप में देखते हैं. Which is true, no doubt about it. और इसमें कोई संदेह नहीं, वो बात सच है. So we see that there are lists of sins with people. तो हम देखते हैं कि एक सूची है पाप की जो लोगों के पास. Yes. But when we look into God's word, परंतु जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, पाप is living for oneself. वो ये है कि एक व्यक्ति अपने खुद के लिए जीता है. And if our eyes are really open, saints of God, और यदि हमारी आंखें वास्तव में खुली हैं परमेश्वर के पवित्र लोगों, and come into the real understanding what the sin is, और इस बात को सही समझ लें कि पाप वास्तव में है क्या. Sin is not just committing murder, और पाप किसी का वध करना नहीं, कत्ल करना नहीं. It is not just adultery, और या व्यभिचार नहीं. It is not just theft, या चोरी. It is not just lying, या झूठ बोलना. It is not just cheating, और किसी को धोखा देना. It's much more than that. इससे भी अधिक है. It's living for oneself. और वो ये है कि एक व्यक्ति खुद के लिए जिए. In how true it is when we were born again. और ये बात कितनी सच्ची है कि जब हमारा नया जन्म हुआ. When we were born again. और जब हमारा नया जन्म हुआ. You know, we left many habits in our lives. और हमने अपने जीवन में बहुत सी आदतों को छोड़ दिया. Yes or no? Yes, no? Yes. Please agree with us. And if you have not left, I don't know why you are here and how you are here. So when we were born again, जब नया जन्म हमारा हुआ, this is very true that we all have left many things. और ये बात सच्ची है कि हम सब ने बहुत सी चीजों को छोड़ दिया. But, परंतु, we never left the self. अपने खुद ही को कभी नहीं छोड़ा. Anybody who left the self? Raise your hands. So we have left many habits. बहुत सी आदतों को छोड़ दिया. But परंतु the self continue to live on. ये हमारी अंदर की खुदी जो है ये निरंतर जीती रही और And this self goes quite often and very often undetected. और ये खुदी जो है कई बार इसको पहचाना नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता. Though we have left many habits, और यद्यपि हमने बहुत सी आदतें छोड़ दी, but we know the self is very strong and living on. परंतु हम ये जानते हैं कि खुद ही जो है ये बहुत ही दृढ़ है और चल रही है. And as long as the self is going on in its way, we can never reach God's highest in our lives. और जब तक ये खुद ही अपने मार्ग में चलती जा रही है तब तक हम परमेश्वर के उच्चतम वस्तु तक नहीं पहुंच सकते. This is a serious word, saints of God. और ये बहुत ही गंभीर वचन है परमेश्वर के पवित्र लोगों. One may have given up many habits. और एक व्यक्ति ने कई आदतों को छोड़ दिया हो. But we need to turn to the root of the matter. परंतु इस मामले का जो जड़ है हमने वहां पहुंचना है. It is unfortunate. और ये दुर्भाग्य की बात है. That we do not have many to turn us to that, to the root of the matter. कि हमारे पास बहुत से जन नहीं जो हमें मोड़कर उस मामले की जड़ तक पहुंचा सके. The gospel that we have heard has been so weak. और वो सुसमाचार जो हमने सुना वो इतना कमजोर था. So
so mixed up with many things. और बहुत सी चीजों का मिश्रण बन गया था. So diluted. और बहुत सी मिलावट की गई थी उसमें. Yet in the mercies of God. और फिर भी परमेश्वर की दया में. We have survived. हम बचे हुए हैं. And we are here today. और आज यहाँ उपस्थित हैं. In the mercies of God. परमेश्वर की दया में. You know, we need to understand the saints of God. और हमें ये समझ लेना चाहिए परमेश्वर के पवित्र लोगों. We must get to the root of the matter. If we are to come into the fulfillment of that which God has called us into. और यदि हमें उस अंतिम स्थान में पहुंचना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो इस विषय की जड़ में हमें पहुंचना है. We are living in a time, saints. और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं. The majority of preachers and ministers. कि बहुसंख्या प्रचारकों की और सेवकों की. They never speak of these things. वो इन चीजों की चर्चा कभी नहीं करते. You can look for. और आप देख सकते हैं. You will not hear a word like this very often. और इस प्रकार का वचन आपको अक्सर सुनाई देते हैं. You can hardly get to hear this. और ये मुश्किल से ही आप सुन पाएंगे. So majority want to tickle the ears of believers today. और बहुसंख्या ऐसे लोगों की है जो कि विश्वासी जनों के कानों में अच्छी बातें कर रहे हैं. You know, continue to allow them to pursue after the soul life, even though they have been born again. और यद्यपि उनका नया जन्म भी हुआ है फिर भी उनको लगातार इस प्राणों के वातावरणों में ही चलते देते हैं. That realm is untouched. और वो क्षेत्र जो है उस वातावरण को अभी छुआ भी नहीं गया. Say, और जब लोग कहते हैं you know, I used to drink, कि मैं पीता था. I used to beat और my मैं wife, मारता था पत्नी को मारता था. I used to do this, I used to do that, और मैं ये करता but था God वो saved करता me. था परंतु परमेश्वर ने मुझे हालेलुया 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 बट परंतु व्हाट इज ही डूइंग नाउ अब वो क्या कर रहा है. Nobody preaches against that. और इसके विरुद्ध कोई प्रचार नहीं. There is no word against that soul that still goes on having its way. और कोई वचन नहीं है उस प्राणों के विरुद्ध जो कि अब तक अपने मार्ग में चलता जा रहा है. Saints, this is a great reality. और ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है. This is the reality of the times in which we are. और इस समय की वास्तविकता है जिसमें हम जी रहे हैं. So majority of preachers they would tickle the ears of believers. और बहुसंख्या ऐसे प्रचारकों की है जो saying them that you are born again and that's fine, you will make it. और तुम सही जा रहे हो और वो ठीक है और तुम इसको पालोगे. And God is on your side. और परमेश्वर आपके पक्ष में है. They are very happy with the saints as long as they attend their meetings. और वो जब तक उनकी सभाओं में सम्मिलित होते हैं तो वो बहुत खुश हैं. At least on Sunday. और कम से कम इतवार के दिन. They are happy as long as they turn in and they are there in the gatherings. और वो बहुत ही खुश होते हैं जब तक कि वो उनकी सभाओं में सम्मिलित रहते हैं. And bring in their tithes. और अपने दशमांश और अपनी भेंटें चढ़ाते हैं. Majority of preachers are happy with that. और बहुसंख्या ऐसे प्रचारकों की है जो इससे खुश हैं. It doesn't matter how the rest of the days what they pursue only for in their lives. और उनके लिए कोई बात नहीं कि बाकी दिनों में वो अपने जीवन में किस प्रकार से जी रहे हैं और कर रहे हैं. Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों. One of the greatest deceptions. एक बहुत बड़ा धोखा जो है. That has ever deceived the believers. और जिसने के सदा से ही विश्वासी जनों को धोखे में रखा है. It is this. वो ये है. Making them to believe. कि उनको विश्वास दिलाया जाए. That a man can continue to live for himself. कि एक व्यक्ति अपने लिए निरंतर रूप से जी सकता है. After. He has been saved. बचाए जाने के पश्चात. He can still live for himself. अब भी वो अपने लिए जी सकता है. And be a good believer. एक अच्छा विश्वासी बनते हुए भी. And much more. और उससे भी अधिक. The enemy deceives many today. और शत्रु जो है वो बहुतों को धोखा देता है. And continue to deceive. और लगातार धोखा देता है. That you can continue to live for yourself. कि आप अपने लिए लगातार जी सकते हैं.
and be a good believer, और फिर अच्छा विश्वासी, and also, और उसके साथ साथ, are, be, you know, be part of God's great purpose, परमेश्वर के महान उद्देश्य का भाग भी बन सकते हैं, and also be part of Good Samaritan Fellowship, और Good Samaritan Fellowship का भी भाग बन सकते हैं. What a nice thing! और कितनी भली चीज है ये. Nothing we miss. और कोई भी चीज से हम फेलोशिप भागीदार है परमेश्वर के उद्देश्य के. And I can live for myself also. और मैं अपने लिए भी जी सकूंगा. What a wonderful fellowship. और ये कितनी अच्छी सहभागिता है. That's a deception of the enemy. और वो शत्रु का धोखा है. May we realize this. हम इस बात को जान लें. This is one of the greatest deceptions that he has been bringing into the life and many are living in that realm. और ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि वो जीवनों में ला रहा है और बहुत से लोग उसी प्रकार से जी रहे हैं. यू नो वी सी, लेट मी, डोंट गेट मी रॉन्गली बट गेट मी राइट प्लीज. और मेरे को गलत ना समझे बल्कि सही समझे. यू नो स्टॉपिंग गिविंग अप मेनी हैबिट्स दैट्स नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग. और बहुत सी आदतों को छोड़ देना एक विश्वासी बनने के लिए कोई महान कार्य नहीं. ए मैन मे गिव अप स्मोकिंग बिकॉज द डॉक्टर सेड यू हैव साइंस ऑफ कैंसर, गिव्स अप. और एक व्यक्ति जो है वो धूम्रपान को छोड़ सकता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे कैंसर का खतरा है. Fellow who is chewing all the time like a cow but says you'll get mouth cancer, he says okay from now onwards I won't chew. और हर कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही पान चबाता है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मुंह का कैंसर हो जाएगा तो वो छोड़ देता है. Why? क्यों? He wants to preserve his life. क्योंकि वो अपने जीवन को बचाना चाहता है, प्राकृतिक जीवन. Yes, he wants to live long. और वो अधिक समय तक जिंदा रहना चाहता है. And somebody who gives up drinking. और कोई व्यक्ति जो के पीना छोड़ता है. Because the doctor said you will have heart attack. और क्योंकि डॉक्टर कहता है कि जल्दी तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा. He gives up straight away. और उसी समय छोड़ देता है. But it is unfortunate that that Christianity today is so caught up with only just giving up some habits but not getting into the very root of the matter. I should have been crucified. I should have suffered and died. I should should have been crucified. I should have suffered and died. I should have hung on that cross in disgrace, but Jesus, God's Son, took my place. Jesus, God's Son, oh Jesus, God's Son, yes, Jesus, God's Son, took my place.